हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ विकास सर, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करें और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, उससे पहले हम चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आपको पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले हम वो याद कर लेते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो हमने बात की थी जब हमने चैप्टर नंबर 6 देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ एनर्जी पजेस बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। किसी भी बॉडी की पोजिशन की वजह से उसके पास जो कुछ एनर्जी होगी उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और बच्चों जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसी कोई बॉडी जो रुकी हुई पोजीशन में है उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट हम वो पोटेंशियल एनर्जी को देख नहीं सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों है वो एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है? जब हम कोई कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, तो हमने जो कुछ वर्क किया वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो पॉइंट पे स्टोर हो जाती है। ओके, सो हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और वी कैन से द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। मान लो बच्चों, अर्थ सरफेस से मैंने इस मासिव ऑब्जेक्ट को, इस मार्कर को H1 जितनी हाइट पे उठाया। सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अभी ये जो मार्कर आपको दिख रही है वो कितनी हाइट पे है? H1 जितनी हाइट पे है। तो जब ये मार्कर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में, दैट मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जब मैंने इस मार्कर को H1 जितनी हाइट पे उठाया, तब H1 हाइट के रिगार्डिंग, H1 हाइट के अकॉर्डिंग इस मार्कर में, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में H1 जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो कुछ वर्क किया वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी H1 जितनी हाइट पे जो पॉइंट है वहां पे स्टोर हो गई। सो देखो, यहां पे अभी फिलहाल इस मासिव ऑब्जेक्ट पे, इस मार्कर पे फोर्स कहाँ पे लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट हमने इसको, इस मार्कर को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में किया? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमने इस मार्कर को डिस्प्लेस किया। सो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो कुछ वर्क किया वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया इस पॉइंट पे। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वैसे तो कभी फिजिक्स में डिफाइन है ही नहीं। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइन नहीं है, बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। सो हम पोटेंशियल एनर्जी को कहीं पे जीरो मान के चलते हैं। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंट है वो एक्चुअली डिफाइन है। मान लो H1 हाइट पे इस मार्कर पे mg जितना फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, बट हमने उसको H1 जितना डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ H1 जितनी हाइट पे इस m मास के ऑब्जेक्ट पे, यहाँ इस पॉइंट पे M1 और वी कैन से MgH1 जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब बच्चों ध्यान से सुना, हम इस H1 वाली हाइट से इस मासिव मार्कर को यहां से H2 जितना डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे। दैट मींस जब ये पॉइंट, इसको हम पॉइंट A बोलते हैं, जो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ H1 जितनी हाइट पे है, हमें यहां से h जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा के, कितना? H1 हाइट से h जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा के एक दूसरे पॉइंट b पे ले जाना है। और ये जो दूसरा पॉइंट b है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h1 जितनी हाइट पे है।
ओके सो यहां पे एच वन जितनी हाइट पे एंड एच टू जितनी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी बच्चों? डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज एम जी एच यहां पे एम जी एच वन जितनी होगी, यहां पे एम जी एच टू जितनी होगी. ओके सो दोनों जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंट है वो कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल. सो वी कैन राइट एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन. दिस इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और हमने इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें किसका किसकी वैल्यू देंगी? हमने एच वन जितनी हाइट से एच टू जितनी हाइट पे इस मार्कर को पहुंचाने के लिए अपवर्ड डिरेक्शन में इन द अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कुछ वर्क किया वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया. ओके सो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ, ध्यान से सुनना, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और वी कैन से द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे लग रहा है? डाउनवर्ड में. हमने इस मार्कर को कहां पे डिस्प्लेस किया? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके सो देखो यहां पे अब ध्यान से सुनना, अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमारे पास किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू एनी पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी. बच्चों ध्यान से सुनना, लेट अस कंसीडर वन मैग्नेट. मान लो ये कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस करती है? अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी. मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. वैसे बच्चों ये जो मास है उस मास की वजह से, मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है. बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक बॉडी की नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज सिस्टम की होगी, ये बात ध्यान में रख लेना. पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? कोई सिस्टम की होती है. तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें? मान लो यहाँ पे एक मासिव ऑब्जेक्ट है जिसने अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट की है. हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं, कुछ आर जितने डिस्टेंस पे लाते हैं, तो हमने क्या किया? हमने इस वाली फील्ड में इस मार्कर को लाने के लिए क्या किया? वर्क किया. वैसे तो वर्क नहीं किया, बिकॉज ध्यान से सुना, बिकॉज दो बॉडी के बीच में कैसा फोर्स लगता है? एट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना. तो ये मार्कर है वो तो वैसे ही ऐसे आना चाहती थी, बट हमने क्या किया? हमें इस मार्कर को इस मार्कर की फील्ड में ऐसे लाना है कि इस मार्कर की काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो. अगर इस मार्कर की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो कुछ एनर्जी क्या होगी बच्चों? लॉस हो जाएगी. तो देखो यहाँ पे ये मार्कर इस मार्कर से अट्रैक्ट होके यहाँ ऐसे आना चाहती है, क्लोज आना चाहती है, बट हमें इस मार्कर को ऐसे लाना है कि इस मार्कर की काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो. दैट मीन्स ये वाली मार्कर इस मार्कर पे जितने मैग्नीट्यूड का ग्रेविटेशनल फोर्स इस डिरेक्शन में लगा रही है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अगर हम इस मार्कर पे इस डिरेक्शन में लगाए तो हम इस मार्कर को धीरे 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा के कहाँ पे ला सकते हैं? इस मार्कर की फील्ड में ला सकते हैं. सो ये दोनों बॉडी का जो सिस्टम बने उस सिस्टम का क्या सिस्टम की क्या बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो लिखो यहाँ पे द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू द डिस्टेंस टू एनी पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट. बच्चों अब यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस क्यों लिखा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी बॉडी के फील्ड में लाने पे उस पर जो कुछ वर्क होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ऐसा क्यों लिखा है? मान लो बच्चों ध्यान से सुनना, जब हमने दो मासिव ऑब्जेक्ट को आर जितने डिस्टेंस पे सेपरेट किए हैं तब इस दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मान लो बच्चों हम दोनों में से एक मार्कर को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेज दे, कितने डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेज दे। हमने जब ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बात की थी तब हमने ऐसा देखा था कि दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। दैट मीन्स अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते गए तो दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों वो कैसा होगा, डिक्रीज होता जाएगा। मान लो हमने इस दोनों मासिव ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस जितने सेपरेट कर दिए तो होगा क्या, जब दोनों मार्कर एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हो गए तब ये दोनों कन्फिग्रेशन, इस दोनों मार्कर की जो, ये दोनों मासिव ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो कैसी होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा एंड वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों फोर्स ही जीरो है तो वर्क भी कैसा होगा, जीरो होगा। अगर वर्क जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी, जीरो होगी। ओके सो अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो कोई मासिव ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, जीरो होगी। ओके बच्चों हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं और हम जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, अर्थ की वजह से। तो हम अर्थ की ही बात करते हैं, एक मासिव ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, अर्थ होगा और एक दूसरा जो मासिव ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्मॉल एम मास का कंसिडर किया है। मान लो हमारे पास यहाँ पे अर्थ है जिसका मास है मास ऑफ अर्थ, ये रहा सेंटर ऑफ अर्थ जिसको हमने ओ से डिनोट किया है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ हमने ऐसा भी देखा था बच्चों कि ये जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप का है और स्फेरिकल शेप का है और उसकी जो डेंसिटी है वो सभी जगह पे सेम है। तो ऐसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में एक ऐसा ज्योमेट्रिकल पॉइंट है जहाँ पे हम उस अर्थ का जो टोटल मास है वो किसका उस जगह पे उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। सो इस मास का जो इस अर्थ का जो सभी मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, पॉइंट ओ पे, दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ कॉन्सेंट्रेट हुआ है। अब देखो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हमारे पास आर ए जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है जहाँ पे हमने एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है। तो इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू दिस अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जी एम ई एम डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस मासिव ऑब्जेक्ट। सो वी कैन राइट जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर। अब बच्चों देखो एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट बी जो कि वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितने डिस्टेंस पे है, आर बी जितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जी एम वन जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर बी स्क्वायर। दोनों जगह पे ध्यान से सुना, दोनों जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है बच्चों, वेरिएबल है, चेंज है। यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू मिलेगी और अगर मास यहाँ पे होगा तो हमें डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा बिकॉज डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दोनों अलग अलग पोजीशन पे है, सो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। सो दोनों पोजीशन पे इस मासिव ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसा होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुना, मान लो बच्चों हमें इस पॉइंट को, इस मासिव ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है इसको हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है, तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट ए पे है, तो जब ये पॉइंट ए पे है मासिव ऑब्जेक्ट स्मॉल एम जिसका मास हमने स्मॉल एम कंसिडर किया है तो वो
टोवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, उस पर कितना फोर्स लगेगा, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ए स्क्वायर जितना फोर्स लगेगा। ओके ये तो बात हमें क्लियर है। और किस डिरेक्शन में लगेगा, टोवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। बच्चों हमें इसको यहां से ले जाना कहां पे, यहां पे ले जाना। दैट मीन्स हमें हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट में उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में उतना ही कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हमें इस बॉडी को यहां से यहां पे डिस्प्लेस करना है, यहां पे डिस्प्लेस करना है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स कहां पे लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके बच्चों चलो अब ध्यान से सुनना, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, हम दोनों को मॉड में लिख लेते हैं, मॉड्यूलस मॉड्यूलस में। पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। सो वी कैन राइट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन। चलो अब बच्चों देखो यहाँ पे दोनों जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों पे लगने वाला फोर्स कैसा है, डिफरेंट है। दैट मीन्स दोनों जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, डिफरेंट होगी। मान के चलो एट पॉइंट ए पे कितनी ग्रेविटी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू एट गिवन पॉइंट ए इज इक्वल टू एम जी एच, कितनी हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ, ओके चलो ये एम जी एच वन जितनी है, चलो इसको छोड़ो, हम इसको पिक्चर में लाते ही नहीं हैं, हम डिराइव कर देते हैं। चलो अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं बच्चों, हम दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितने डिस्टेंस पे है, आर कितने डिस्टेंस पे है। ओके हमें इस मासिव ऑब्जेक्ट स्मॉल एम को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है, बट ऐसे ले जाना है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज ना हो। दैट मीन्स हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा के इस मासिक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सो वी कैन राइट वर्क डन। ओके हमने क्या किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं स्मॉल डिस्प्ले स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमने किस फोर्स से वर्क किया, एक्सटर्नल फोर्स से। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। ओके वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब हम दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तब हम लिखते हैं कॉस थीटा। यहाँ पे देखो हमने जिस डिरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया वो ही डिरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी है, सो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री, एंड कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, सो हम यहाँ पे थीटा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलो सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन to displace body from point A to B is equal to, चलो अब दोनों के बीच में point A and point B, दोनों के बीच में यहाँ से जब ये point A पे होगा, मान लो बच्चों यहाँ पे point R पे होगा, हमने A और B के बीच में एक arbitrary point माना जो from the center of earth R जितने distance पे है, तो यहाँ पे जब होगा तो earth उस पर कितना gravitational force लगा रही होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ पॉइंट, दैट इज पॉइंट माइ पॉइंट लाइक मास एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर, ओके इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर। अब बच्चों देखो यहां से जो हमें मिला वो तो डी आर जितने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो जो वर्क हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क वो हमें मिला। हमें तो टोटल वर्क फाइंड करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने में,
टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा बाई एक्सटर्नल फोर्स, वो हमें फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या करेंगे बच्चों, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो यहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल फोर्स शिफ्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट लाइक मास फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके चल, अब हम बच्चों क्या करेंगे, ए से बी पे ले जाने में हमने जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट किए उसके अकॉर्डिंग में जो भी कुछ वर्क हुआ उस सभी वर्क को हम जोड़ देंगे। तो हमें बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने में जो जो कुछ वर्क करना पड़ा उसका टोटल वर्क मिल जाएगा। सो वी कैन राइट, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स। आई बात समझ में, ये रहा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के अकॉर्डिंग में ये जो ये कुछ वर्क हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ, हमने सभी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को एड कर दिया। तो हमें इस बॉडी को ए से बी पे ले जाने में जो कुछ वर्क करना पड़ा वो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल व्हाट इज जी, जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। सो उसकी वैल्यू तो सभी जगह पे यूनिवर्स में सभी जगह पे कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। सो हम जी को कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट है तो आउटसाइड ले लो इंटीग्रेशन के। चलो मास ऑफ अर्थ चेंज होगा वो भी नहीं होगा, सो मास ऑफ अर्थ भी कॉन्स्टेंट। अब ये बॉडी का जो मास है वो भी कॉन्स्टेंट, बिकॉज मास तो हर जगह पे कॉन्स्टेंट होता है। सो एम बी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर आर स्क्वायर डी आर। ओके इंटीग्रेशन वन ओवर आर स्क्वायर डी आर। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने हमने इस ये जो वर्क किया वो बॉडी को कहाँ से कहाँ पे डिस्प्लेस किया, हमने बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने में जो टोटल वर्क हुआ वो फाइंड कर रहे हैं। बॉडी पॉइंट ए पे है तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कितने डिस्टेंस पे है, आर ए जितने डिस्टेंस पे है। सो यहां से हम लिखेंगे आर ए। ओके चलो, सो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे आर बी, हमें आर ए जितने डिस्टेंस पे था हमने आर बी डिस्टेंस पे ले जाना है। सो यहां से हम लिखेंगे आर फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम आर ए टू आर बी। चलो सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी इंटीग्रेशन फ्रॉम आर ए टू आर बी। अब देखो वन ओवर आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर रेस टू माइनस टू डी आर, क्या लिख सकते हैं आर रेस टू माइनस टू डी आर। सो वर्क डन by external force or we can say external agent, हम क्या बोल सकते हैं external force या तो external agent बोल सकते हैं, is equal to g mass of earth mass of body। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, r raised to minus 2 कहाँ पे लिख लेते हैं, okay यहाँ पे लिखें, यहाँ पे most time भी करके, अगर integration r raised to n dr है, चलो x मान के चलते हैं, अगर इंटीग्रेशन x is to n dx है तो हम क्या लिख सकते हैं x is to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। ओके चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की जगह पे r है और dx की जगह पे dr है, तो हम क्या करेंगे r is to minus 2 तो होगा क्या r is to n plus 1, सो यहाँ से होगा r is to माइनस टू प्लस वन, और जितना जो टर्म पावर में है वो कहाँ पे आएगी डिनोमिनेटर पार्ट में, सो वी कैन राइट माइनस टू प्लस वन शिफ्टिंग फ्रॉम आर ए टू आर बी, शिफ्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। चलो अब ध्यान से सुनना ध्यान से, सो
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट. चलो आर रेस टू माइनस टू प्लस वन, सो वी कैन राइट आर रेस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, सो वी कैन राइट माइनस वन आर ए टू आर बी. ओके आर ए टू आर बी. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जी एम ई एम. चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना. आर रेस टू माइनस वन, हमने लिखा वन ओवर आर स्क्वेयर था तो हमने लिखा आर रेस टू माइनस टू. तो आर रेस टू माइनस वन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, वन ओवर आर लिख सकते हैं. सो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वन ओवर आर. यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी एज इट इज है, सो हम इस माइनस साइन को यहाँ पे ले आते हैं आउटसाइड. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वन ओवर आर, वन ओवर आर फ्रॉम आर ए टू आर बी. फिर से एक बार आर एस टू माइनस वन, सो वी कैन राइट वन ओवर आर एंड यहाँ पे जो माइनस वन है ना उसकी साइन हम आउटसाइड ले लेंगे. सो माइनस जी एम ई एम वन ओवर आर एंड आर कहाँ से चेंज होता है, फ्रॉम आर ए आर ए टू आर बी. ओके चलो अब देखो यहाँ से. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम वन ओवर आर. चलो अब हम लिमिट सॉल्व करते हैं बच्चों. सो सबसे पहले हम कौन सी वाली लिमिट यूज करेंगे, ये वाली. सो वी कैन राइट वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए. ओके वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए. अब हम इस माइनस साइन को रिमूव करते हैं, सो यहाँ से हम इस माइनस साइन को फिर से अंदर डालेंगे. सो वी कैन राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी. अब ध्यान से सुनना, अगर ये माइनस वाली साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली तब माइनस और ये वाली प्लस हो जाएगी. हम प्लस को पहले लिखते हैं, सो वी कैन राइट वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी. ओके बच्चों ये हो गई बात कहाँ पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. अब बच्चों एक्सटर्नल फोर्स से जो कुछ वर्क हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है. सो यहाँ से ओके ओके दूसरी बात देखो यहाँ पे, जितना एक्सटर्नल फोर्स है ध्यान से जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट अपोजिट डिरेक्शन में है. सो जितना एक्सटर्नल फोर्स से वर्क होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क होगा बट अपोजिट डिरेक्शन में होगा. फिर से एक बार, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट किया, डिस्प्लेस किया. जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स है. सो ऐसा हम कह सकते हैं जितना एक्सटर्नल फोर्स से वर्क होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क होगा बट अपोजिट डिरेक्शन में होगा. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, सो F external is equal to minus of F gravitational. So यहाँ से हम क्या लिखेंगे, work done by gravitational force is equal to, अब इसको हम with negative sign लेंगे, so minus G. क्यों negative sign लेना है, because अगर हम इसको plus लेंगे तो इसको negative लेना पड़ेगा. So work external की value क्या है, चलो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. सो सॉरी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये माइनस साइन एज इट इज. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमने यहां से निकाला, सो वी कैन राइट जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी. ओके बच्चों चलो अब ध्यान से सुनना, ये तो क्या हो गया बच्चों, चलो हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में लिखते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू जी इज इक्वल टू
माइनस जी एम ई एम इंटू वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी। अब मान लो बच्चों, अगर ये पॉइंट बी है ना, वो पॉइंट बी अगर इनफाइनाइट पे होता, हम इस डेफिनेशन पे आ रहे हैं, अगर ये वाला पॉइंट बी है वो पॉइंट अगर इनफाइनाइट पे होता तो हो तो क्या होता, तो हमें इस पॉइंट ए पे जो मास है उसको ए से इनफाइनाइट पे शिफ्ट करना पड़ता। क्या फॉलो करते, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr फॉलो करते करते हमें इस मासिव ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से इनफाइनाइट पे ले जाना पड़ता। सो हमारा फाइनल पॉइंट क्या होता, बी की जगह पे हम आर बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इफ इफ पॉइंट बी इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो वी कैन राइट, अगर हम लिखेंगे इफ इफ पॉइंट बी, इफ पॉइंट बी इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो आर बी कैसा हो जाएगा, आर बी हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट। ओके, और हम इस पॉइंट ए को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कितना कंसिडर करते हैं, स्मॉल आर जितना कंसिडर करते हैं, एंड अगर आर ए कहाँ पे है, आर जितने डिस्टेंस पे है, ओके तो कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नॉट पोटेंशियल इज माई मिस्टेक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम इंटू वन ओवर आर की जगह, वन ओवर आर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं वन ओवर आर माइनस साइन एज इट इज, वन ओवर आर बी की जगह पे हम लिख सकते हैं वन ओवर इनफाइनाइट। अगर हम एक के इनफाइनाइट नंबर पार्ट करेंगे तो कैसा आएगा, जीरो, सो वन ओवर इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू जी इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम, ओके ये वाला जीरो, सो वन ओवर आर, सो वी कैन राइट डिवाइडेड बाई आर, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन पॉइंट। ध्यान से सुना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन पॉइंट, अगर अगर हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या निकाला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, कितनी, ये वाला एक्सप्रेशन बच्चों मोस्ट टाइम पे एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, दो पॉइंट के बीच में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो कितनी मिली हमें, माइनस जी एम ई एम वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी। तो हमने अब क्या कंसिडर किया, अगर अगर ये पॉइंट ए है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अगर वो आर जितने डिस्टेंस पे होता और हमें जिस पॉइंट बी पे ले जाना है वो अगर पॉइंट बी कैसा होता, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता, तो हमें इस पॉइंट ए के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वह मिल जाती है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट फ्रॉम द एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज गिवन बाई यू जी, दैट इज पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से, अगर ये पॉइंट ए, अगर ये वाला पॉइंट ए अर्थ सरफेस पे होता तो यहां से फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता, रेडियस ऑफ अर्थ जितना होता, सो हम लिख सकते हैं इफ इफ पॉइंट मास एम, इफ पॉइंट मास एम एम lies at surface of earth, at surface of earth, so we can write r होगा radius of earth जितना, so ये वाला expression दिख रहा है बच्चों कैमरे में, okay चलो आ जाएगा, so gravitational potential energy is equal to minus of g mass of earth mass of object divided by radius of earth, this is a gravitational potential energy at the surface of earth। बच्चों ध्यान से सुनना, this expression is for the gravitational potential energy at the surface of earth। हम earth surface पे gravitational potential energy को कैसे find कर सकते हैं, so ऐसे find कर सकते हैं, okay। हाँ एक बात ध्यान से सुनना,
एक बात ध्यान से सुनना, वो बात कौन सी है जो ध्यान से हमें सुननी है? देखो, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो डिफरेंट होगी। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही बात की, जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, वो किसी एक ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती, वो एक सिस्टम की है। अगर दो बॉडी है तो दो बॉडी की सिस्टम बनी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मीन्स देखो, यहाँ पे एक मास कौन सा है? अर्थ है। दूसरा पॉइंट लाइक मास है। दोनों की सिस्टम बनी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, सो यहाँ से अगर ये मास चेंज हो गया, दूसरा कोई मास है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ डिफरेंट होगी। ओके, चलो बच्चों हम यहाँ से एक दूसरी बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वी जी से डिनोट करते हैं। वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई वी जी। अब बच्चों, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मीन्स वर्क ऑन मास। वर्क ऑन मास बच्चों, हमने यूनिट मास पे जो कुछ वर्क किया, ध्यान से सुना, हमने यूनिट मास को वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो कुछ वर्क किया, वो वर्क हमें लास्ट पॉइंट पे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ दिखा। देखो यहाँ पे हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट किया, तो वो हमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती होती हुई दिखी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को एम से एम से क्या करें, डिवाइड कर दे, दैट मीन्स देखो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन नंबर टू को, सो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी जी इज इक्वल टू, ध्यान से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी जी इज इक्वल टू, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। अब देखो यहाँ पे हम इस मास को यहाँ पे ले आते हैं, सो यहाँ पे इस ये मास लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो यू जी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। सो वी कैन राइट माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। माइनस जी एम ई बाई आर ई इज इक्वल टू यू जी डिवाइडेड बाई एम। यू जी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू वी जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट डिनोटेड बाई माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। अर्थ सरफेस पे ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है बच्चों, वो कैसा कैसा आएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। ओके, सो आज हमने बात की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की।